हेलो गाइस, मैं शिखर अजय डिजिटल एडवांस भोपाल से। ये मेरे पास एक सैमसंग का टीवी आया है, अल्ट्रा स्लिम 21 इंची मॉडल। इसमें ये डेड है मेरे पास जब आया, ये पावर सप्लाई बोल रही है, ड्रॉप हो रहा है इसकी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई ड्रॉप क्यों हो रही है, कैसे काम कर रहा है, आइए मैं आपको देखता हूँ। बंटन जो वोल्टेज आते हैं, देखिए यहाँ पर बंटन वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पर, तो ये बंटन वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है इसमें। और इसकी ESD शॉर्ट थी, इसको मैंने बदला है, इसमें दूसरी लगाई है ESD, तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ से ये PF, देखिए ये है PF, ये है PF, ये जला हुआ PF है, ये भी शॉर्ट था, इसको निकाला वोल्टेज बनने लगी, यहाँ पर 110 वोल्टेज आ गए, ये काम करने लगा सेट। परंतु पिक्चर में बबलिंग टाइप की हो रही थी, उसमें ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये देखिए वर्न हो चुके हैं, फूल गए हैं। देखिए ये देखिए पीछे इसका कैप ये फूल गया। तो ये दो कैपेसिटर मैंने बदल दे, एक कैपेसिटर ये है और एक ये है, ये लगे हुए हैं 5 वोल्ट सप्लाई पे लगे हुए हैं कैपेसिटर। देखिए एक कैपेसिटर बदल गया, ये मैंने दूसरा कैपेसिटर लगाया है, और एक कैपेसिटर जो है वो ये बदल गया है। अभी एक एक ये भी दिख रहा है। अधिकांशतः जो अल्ट्रा स्लिम टेलीविज़न आते हैं उनमें हमेशा ये जो कैपेसिटर रहते हैं ये हमेशा फूल जाते हैं, सप्लाई अधिक होने की वजह से फूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी सेट आए तो उनको सबसे पहले ये देखिए फूले हुए हैं, तो इनको बदल दें, आप नए लगा दें। यहाँ पे ये 5 वोल्ट बनाता है, परंतु 12 वोल्ट ठीक सही ढंग से नहीं बन रहे थे, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगाया तो इसको बदल दिया, ये काम करने लगा, ESD इसकी बनने लगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है आइए मैं आपको बताता हूँ। ESD इसमें बनने लगी, प्लग मैंने लगा लिया, देखिए इसको ये शॉर्ट किए मैंने, ये सेट चालू हो गया। अब स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ESD बनने लगी इसकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दिख रही है इसमें। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये वर्टिकल सेक्शन का पार्ट है, और वर्टिकल लाइन जब होती है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन से होता है। तो अब ये लाइन क्यों बनती है, सबसे पहली बात तो इसके कैपेसिटर चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है IC, इसके IC यहाँ के इसकी सब चेक मैंने कर लिए हैं, सब बढ़िया है। ये कैपेसिटर का फॉल्ट होता है, पर इसमें ये फॉल्ट जो है रेजिस्टेंस का फॉल्ट है। और रेजिस्टेंस कौन सा, तो वर्टिकल, देखिए ये मैं पहले चेक करके कर लिया है, इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है ये वर्टिकल आउटपुट जो है, यहाँ पे इसके पैरल में, एक कॉल के पैरल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो यदि ओपन हो जाता है तो ये फॉल्ट बनता है। देखिए ये मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए ये ओपन है, इसको मैं लगा रहा हूँ, देखिए आपके सामने देखिए, पहले यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने चालू कर दिया है, देखिए स्क्रीन पर ये आ गई पिक्चर। देखिए अब इसको मैं रेजिस्टेंस ओपन करके बताता हूँ आपको, देखिए आ गई ना, इसको मैंने ये टच किया, खत्म हुआ, फॉल्ट ये है इसका, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये ओपन हो जाता है तब ये फॉल्ट बनता है लाइनिंग का। ठीक, इसको लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने, ये हो गया कंप्लीट। रास्टर आपने देख लिया, प्लान आ गया इसमें,
अब इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। अब मेरे यहाँ पर अभी सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता है। कारण ये है कि ये जो मैं बना रहा हूँ एक कमरे के अंदर से बना रहा हूँ, क्योंकि ये वो जगह बर्फ साफ नहीं है मेरी जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। इस कारण से आपको तो वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा इसका पिक्चर, मगर हाँ आपको ये फॉल्ट दिखा दिए कैसे बनता है और किस तरीके से आपको ठीक करना है, ये आप कर सकते हो। इसमें देखिए ये आ गया क्लियर, ये ओके हो गया। हेलो गाइस, तो ये मैंने वीडियो आपको बताया बना के किस तरीके से पिक्चर आई फॉल्ट बताया आपको किस तरीके से ठीक किया जाता है, परंतु मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाया क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं इतने अच्छे तरीके से, ना कैमरा है ना मेरी काम वर्क करने की टेबल है। यहाँ पर मैं टेम्परेरी पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.